ध्यान दें कि इस शक्तिशाली आदमी के पीछे एक नकाबपोश व्यक्ति खड़ा है। जब वह उपस्थिति की आशंका से मुड़ा, उसने कुछ नहीं पाया। छोटी बालों वाली लड़की ने खोज कर पता लगाया कि 721 इकाई का उपग्रह नियंत्रण केंद्र यही है, जहां जैव हथियारों का अध्ययन व घातक मानव परीक्षण किए जाते हैं। सभी ने घायल को एक सुनसान कमरे में विश्राम हेतु रखा। छोटी बालों वाली लड़की और दाईसुकी वहीं उसकी देखभाल में ठहरे और अन्य निकासी मार्ग और चुराए गए सोने की खोज में गए। घायल सदस्य ने अचानक बेड के नीचे कुछ हरकत महसूस की। उन्होंने तेजी से बैठकर देखा कि मिट्टी उठ रही है। उन्होंने द्वार पर खड़े साथी की ओर सावधानी से देखा। काले बालों वाले अनजान कि यहाँ कुछ घटित हो रहा है। देखभाल के लिए उत्सुक दाईसुकी व छोटी बालों वाली लड़की भीतर आई। काले बालों वाले सदस्य ने खून के निशान पर चल अपने साथियों को पुकारा। गहरा और विकट गुफा भाग में छोटे बाल वाली को सिहरन हुई। काले बालों वाले ने पीछे मुड़ आश्चर्यजनक आदमी का पीछा बंदूक से किया। छोटी बालों वाली ने देखा कि मृत घायल सदस्य दूर पड़ा था। दाईसुकी ने कहा, निकलना जरूरी है। जैसे ही घूमे, सामने से आए आदमी ने बेहोश किया। काले बालों वाले खंडहर में अस्थिपंजर पाए। पीछे से आने वाले पर काले बालों वाले ने गोली चलाई और अग्रसर होकर देखे। सहयोगियों को पुकारने लगे। उन्हें नहीं पता, साथी अभी खाना समाप्त किया। एक आक्रामक ने हमला किया और शस्त्र चुरा लिया। जबकि अनिश्चित थे, पीछे से आक्रामक ने पकड़ा और काले बालों वाले ने प्रहार किया। चोटिल होकर भी धुंधला दिख रहा था कि अनेक अजीब लोग आ रहे हैं। हाथ में पिस्तौल चलाई, जल्द ही गोलियां खत्म हुई। निराशा में पिस्तौल फेंकी और आपात दृश्य स्वीकारा। दाईसुकी जब होश में आए, गैस मास्क वाले ने कदम रखा और चाकू से डराया।